Hey guys, Adab, Namaskar, welcome back to my channel in a bit messy kitchen with me and my Miki Chauhan. So today I bring you a famous Indian sweet food, batata puri, or you can say a sew batata puri. तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें. अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और लोगों के साथ शेयर करें. एंड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्पी पूरीज विद स्वीट एंड सावी चटनी विल फिल योर माउथ विद योर वेरियस अमेजिंग फ्लेवर्स सच एज अ स्पाइसी, टैंगी, स्वीट एंड अ बिट चीज़ी वन. सो इट इज ईजी टू प्रिपेयर एट होम. सो आइए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं. तो इसके लिए मैंने लिया है एक स्मॉल बाउल आलू भुजिया, सेव, दो टमाटर फाइनली चॉप, एक खीरा फाइनली चॉप, दो मीडियम साइज के प्याज जो मैं अभी यहाँ पे भूल गई हूँ, कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चटनी, इमली की चटनी. तो बस अब एक बाउल मैंने लिया है मैदा, वाइट फ्लावर. एक स्मॉल बाउल में ऐड करूँगी आटा, व्हीट फ्लावर. तो बस इसे मिक्स कर ले अपने हाथों से. एक चम्मच नमक, एक चम्मच अजवाइन, अजवाइन को हम कैरम सीड्स भी बोलते हैं, 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल जो मैंने इसको मोइन कहते हैं उसके लिए किया है जिससे हमारा जो पूरी है बिल्कुल क्रिस्प बने. तो आप जब मोइन आपको जब चेक करना हो कि हमारी पूरी जो है बिल्कुल क्रिस्प बने, तो आप जब इन सारी चीज़ों को कंबाइंड करेंगे मिक्सचर को, तो ये एक फॉर्म हो जाएगा ना बॉल की तरह. अगर बन जाए तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो मोइन है बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल आपकी पूरी बिल्कुल क्रिस्प बनेगी. तो बस आप इसे नीट कर ले. तो मैंने नीट करने के लिए जो वाटर लिया है वो वार्म वाटर है, गुनगुना पानी. तो बस इसे अच्छे से बिल्कुल नीट कर ले. पानी आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालें. इसका जो डो है आपको बहुत हार्ड नहीं बनाना है, बहुत सॉफ्ट नहीं बनाना है. बस आप इतना बनाएं कि ईजिली व्हेन यू आर मेकिंग लाइक चपाती आप बनाते हो तो बिल्कुल अच्छे से ये रोल हो जाए. तो इसे बिल्कुल अच्छे से नीट कर लें. तो ये देखिए आपको डो पता चल रहा है कि थोड़ा सा हार्ड है. तो मैंने 6 से 7 आलू लिए हैं जो बॉइल्ड हैं. बस इसे मैंने फाइनली लाइक डाइस के फॉर्म में कट कर लिया है. तो इसमें मैंने कुछ मसाले ऐड किए हैं, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और नमक. नमक मैं इसमें थोड़ा सा कम ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने चाट मसाला ऐड किया है. तो नमक और चाट मसाला आप इसे बैलेंस करके रखें. तो बस विद द हेल्प ऑफ स्पैटुला एंड स्पून जस्ट मिक्स कंबाइन इट टुगेदर. तो हमारा जो आलू है बिल्कुल स्पाइसी हो जाएगा एंड बट चटपटा वन. सो नाउ पूरी बनाने के लिए अगर आप चाहें तो एक एक करके वो स्मॉल बाउल्स बॉल्स बना करके आप इसे रोल करें. बट नाउ इट्स टाइम फॉर सेविंग टाइम बचाएं. तो जस्ट डिवाइड द डो इनटू अ मीडियम साइज डो बॉल एंड रोल इनटू अ थिन बेक चपाती. तो इस तरह से आप इसे लाइक चपाती बना लें. एंड वन मोर थिंग, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टा विद द नेम ऑफ बिट मेसी किचन. तो इसकी जो मैंने बनाई है वो बहुत पतली नहीं बनाई है चपाती और ना ही बहुत मोटी. तो बस विद द हेल्प ऑफ लाइक एनी कटर आप इसे राउंडल्स के शेप में कट कर लें. कोई भी आप ग्लास ले सकते हैं, कटोरी, बस उसका जो एजेस है वो थोड़ा सा शार्प हो तो ईजली आपका वो कट हो जाएगा. तो बस इस तरह से सारे आप पूरीज बना लें. एंड मैंने विद द हेल्प ऑफ फोक मैंने इसे प्रिक कर लिया है पूरे लाइक इंटायर सरफेस पे. इससे क्या होगा जो हमारी पूरी है लाइक व्हेन यू आर फ्राइंग द पूरीज तो ये फूलेंगे नहीं. तो बस इस तरह से मैंने और भी इस पूरी बना ली है विद द सेम प्रोसीजर. इसे भी मैं प्रिक कर ले रही हूँ विद द फोक. तो बस उसके बाद मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के मैं इसमें चेक कर रही हूँ थोड़ा गर्म हो गया है. तो बस इसमें सारी पूरी आप इसमें एक एक करके ऐड कर दें. इन अ बैचेस मैंने पूरी को फ्राई किया है, एक साथ नहीं डाला है, थोड़े थोड़े करके मैंने फ्राई किया है. सो इसे बिल्कुल अंटिल यू हैव टू क्रिस्प एंड गोल्डन ब्राउन तक इसे फ्राई करें. सो मैं इसे मीडियम फ्लेम पे
फ्राई कर रही हूँ, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं, क्योंकि अंदर तक बिल्कुल ये फ्राई हो जाए, कुक हो जाए। तो बस इसे एक प्लेट पे आप निकाल लें। तो ये देखिए, बिल्कुल हमारी जो पूरी है बिल्कुल रेडी हो गई है, बिल्कुल क्रिस्प हो गई है। सो नाउ इट्स असेंबल टाइम। तो बस ये सारी पूरी को आप प्लेस कर लें एक प्लेट पे। नाउ देन ऐड स्पाइसी एंड चटपटा पोटैटो मिक्सचर, आलू का जो मिक्सचर है वो आप विद द हेल्प ऑफ स्पून और हाथों की मदद से लाइक आप इसे एक एक करके स्प्रेड कर दें। चटनी ऐड कर रही हूँ, ये सिंपल आपकी टमाटर धनिया मिर्चा वाली है। नाउ आई एम एडिंग इमली की चटनी। नाउ आई एम एडिंग चॉप्ड अनियंस। तो इस तरह से आप सबके ऊपर बिल्कुल स्प्रेड कर दे। नाउ आई एम एडिंग खीरा जो फाइनली चॉप्ड है। आप चाहें तो इसमें, जैसे कुछ लोगों को टमाटर नहीं पसंद होता है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, या उसके में आप ऐड ना करें, तो इसलिए मैंने सबको अलग अलग किया। आप चाहें तो इन सारे जो सैलड्स हैं, एक एक प्याज टमाटर कुकम्बर एंड धनिया को मिक्स करके भी आप एक एक स्प्रेड कर सकते हैं, बट सम लाइक कुछ लोग टमाटर नहीं पसंद करते हैं, तो मैंने इसलिए एक एक करके डाला। जिसको जो चाहिए उसमें ऐड कर दे, जो नहीं चाहिए आप उसे स्किप कर दें। सो अब मैं इसमें सेव मैंने इसमें ऐड कर दिया है। नाउ मैं स्प्रिंकल सम मोर चटनी, इमली की चटनी एंड ग्रीन चटनी द टमाटर वन। टू मेक मोर सारी एंड स्पाइसी टेस्ट एंड अ बिट स्वीट वन। सो मैंने हाफ लेमन स्क्वीज किया है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो हमारा बटाटा सेव पूरी एंड बटाटा पूरी इज रेडी। सो डू ट्राई माई रेसिपी एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक इट। तो देखिए बिल्कुल कलरफुल, यू नो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेवर्स एंड इट्स लुक वेरी ब्यूटिफुल कलरफुल प्लेट ऑल्सो। सो मैंने इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, द सेम पूरीज लाइक द सेम टॉपिंग्स के साथ मैंने इसमें थोड़ा सा चीज ऐड किया है। तो ये मेरे पास अमूल का चीज़ था, द क्यूब्स वन, तो मैंने इसको बस मैंने इसमें सारे जो चीज़ है उसको ग्रेट कर लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ हरी धनिया से, इट लुक वेरी नाइस। तो बस इसे आप चीज़ होने तक, मेल्ट होने तक का इसे कुक कर लें। सो हमारा चीज़ी बटाटा पूरी इज़ ऑल्सो रेडी एंड इट टर्न्स वेरी नाइस। सो enjoy it as soon as it is made before it gets soggy. So recipe pasand aaye to se like kare, thank you.